दैनिक सवेरा, अंधेरे से उजाले की ओर। आतंकवाद पीड़ित एसोसिएशन सदस्यों द्वारा अमृतसर में एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर बीआर हस्तीर ने कहा कि केंद्र सरकार को दंगा पीड़ितों के समान आतंकवाद पीड़ितों को भी मुआवजा राशि देनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2014 लोकसभा चुनावों के दौरान वायदा किया था कि अगर केंद्र ने एनडीए सरकार बनती है तो वे आतंकवाद पीड़ितों को मुआवजा राशि देंगे, लेकिन सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक केंद्र ने अपना वादा पूरा नहीं किया। प्रधान हस्तीर ने कहा कि वे अपना 101 सदस्यों के साथ जल्द ही इस संबंध में सरकार से बात करेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं ऑल इंडिया आतंकवाद पीड़ित एसोसिएशन का चेयरमैन डॉक्टर बीआर हस्तीर, असी अज कंपनी बाग दे विच मीटिंग जिहड़ी आ बुलाई आ पंजाब दे विचों तिना जिलों दे, खास करके अमृतसर, तरनतारन ते गुरदासपुर सरहदी जिले, जिथे अतवाद दा बहुत जोर रहा सीगा अतवाद दे दौरान, और ये पीड़ित परिवार जिहड़े अज इकट्ठे होए आ इन्हां दे असी ये फैसला अज मीटिंग च लिया कि 101 मैंबरी डेलीगेशन जिहड़ा वा असी केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी नूं मिलाउण वास्ते इन्हां नूं लै के जावां।